आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि आप फिर से हमारे साथ हैं। आज हम बहुतायत का जीवन यानी कि प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि बहुतायत का जीवन वाक्यांश कहां से आया है? ये यूहन्ना 10 और उसके 10 पद से लिया गया है ना? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। क्या आप इसे हमारे लिए पढ़ सकती हैं? बिल्कुल। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। यीशु ने यही वादा किया था। ये अनुच्छेद यरूशलेम के धार्मिक नेताओं के साथ यीशु की चर्चा को जारी रखता है, जैसा कि अध्याय 9 में देखा गया है। इसमें हमें दो बातों की छवि देखने को मिलती है। यह अपनी भीड़ों के बीच यीशु के कार्य और जो लोग यीशु की भीड़ों की सेवा करना चाहते हैं उन्हें किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए दिखाता है। इससे पहले कि हम ये देखें कि बहुतायत का क्या मतलब है, आइए यह देखें कि इसका क्या मतलब नहीं है। जब मैं बहुतायत का जीवन कहती हूँ तो आपके मन में क्या आता है? देखिए, कई लोगों के लिए तो बहुतायत का जीवन का अर्थ होता है इस धरती पर समृद्धि, धन, प्रतिष्ठा जिसे हम इज्जत कहते हैं, और शक्ति भी हो सकता है। जी हाँ, लेकिन यह सांसारिक दृष्टिकोण से है। अधिक सांसारिक धन या शक्ति परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते के रास्ते में आ सकती है। अक्सर परमेश्वर हमें इतना कुछ देता है कि हम उसके साथ अच्छे रिश्ते का आनंद ले सके। पहला कुरंथियों उसका 1:27-29 कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर पाए। जी हाँ, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं चुनेंगे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चुना ताकि हम खुद पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर घमंड करें। इसका मतलब ये नहीं है कि मसीहों को इस दुनिया में गरीब, प्रतिष्ठाहीन और शक्तिहीन होना चाहिए। बात बस इतनी है कि ये चीजें अनंत काल के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है उसका उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए किया जाना चाहिए। क्या आप इस चरवाहे और भेड़ की अवधारणा को समझाएंगे? जी हाँ, जरूर। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यीशु अपनी सेवकाई को समझाने के लिए 3 अलग अलग चीजों का उपयोग करते हैं। ऐसा करने के लिए वो भेड़ और चरवाहों की अवधारण का उपयोग करता है। अपने बयानों के माध्यम से यीशु बताते हैं कि क्यों कुछ लोग उन्हें स्वीकार करने से इनकार करते हैं। वो खुद को उद्धार का एकमात्र साधन घोषित करता है और अपनी बलिदान की मृत्यु की भविष्यवाणी करता है। चरवाहे वाली धारणा पूरे पवित्र शास्त्र में बार बार दोहराई गई है। पुराने नियम में परमेश्वर के पास बुरे चरवाहों के लिए कड़ी फटकार और चेतावनी के शब्द थे, और आने वाले एक अच्छे चरवाहे की भविष्यवाणियां थी। नए नियम में यीशु स्वयं को अच्छे चरवाहे के रूप में पहचानते हैं, और हम पत्रियों में पाते हैं कि अच्छे चरवाहे की धारणा उन लोगों तक फैली हुई थी जो चर्च में अगुवाई करेंगे। मैं आपको बाइबल के समय में चरवाहे के जीवन और भेड़ बकरियों की देखभाल के बारे में बताती हूँ। हम उन बाइबल संदर्भों को भी देखेंगे जो उनसे संबंधित है। ये काफी दिलचस्प लगता है। जी हाँ, ये दिलचस्प है। अच्छे चरवाहे और भेड़ के विचार का वर्णन सुसमाचार में यूहन्ना 10:11-14 में किया गया है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। अब आइए बाइबल के समय में भेड़ों और चरवाहों को देखें।
फिलिस्तीन में भीड़ें बड़ी संख्या में थीं। इब्राहिम के दिनों से लेकर आधुनिक समय तक पवित्र भूमि में भीड़ें बहुतायत में रही हैं। बाइबल के समय के अरब सदियों से अपने जीविका के लिए मुख्यतः भीड़ों पर निर्भर रहे हैं। बाइबल के समय के यहूदी पहले चरवाहे थे और फिर किसान थे, लेकिन उन्होंने अपना चरवाहा जीवन कभी भी पूरी तरह से नहीं छोड़ा। हम इस तथ्य को कैसे जानते हैं? क्या इसका संदर्भ कहीं बाइबल में दिया है? जी हाँ, अय्यूब 42 उसके 12 में हमें बताया गया है कि अय्यूब के पास 14,000 भेड़े और फिर पहला राजा उसका 8वां अध्याय और उसके 63 में हम पढ़ते हैं कि राजा सुलेमान ने मंदिर के समर्पण में 1,20,000 भेड़ों की बलि दी। बाइबल के समय में चरवाहा लोगों के लिए एक आम व्यवसाय था। कुछ हद तक ये आज भी एक आम व्यवसाय है। इब्राहिम, उसका पुत्र इसहाक और इसहाक का पुत्र याकूब सभी चरवाहे थे, जैसे मूसा और निश्चित रूप से दाऊद थे। मसीह के जन्म की खबर सबसे पहले मैदान में चरवाहों को दी गई थी। दोस्तों, भेड़ के बारे में एक अजीब सा तथ्य है, लेकिन ये सत्य है। मोटी पूंछ भेड़ के लिए संरक्षित शक्ति प्रदान करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊंट का कूबड़ होता है। पूंछ में ताकत होती है। जब भेड़ को काटा जाता है तो ये मोटी पूंछ काफी कीमती होती है। लोग इसकी पूंछ या उसका कुछ हिस्सा खरीदते हैं और तलने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जी हाँ, इसके लिए एक बाइबल संदर्भ भी है। निर्गमन 29 उसके 22 में हम पढ़ते हैं, उस मेड़े में से चर्बी और मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं उसको और कलेजे पर की झल्ली को और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को और दाहिने पुट्ठे को लेना। हम लय व्यवस्था 3 उसके 9 में भी पढ़ते हैं, और मेल बलि में से चर्बी को यहोवा के लिए हवन करें, अर्थात उसकी चर्बी भरी मोटी पूंछ को वो रीढ़ के पास से अलग करें और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि परिवार का सबसे छोटा लड़का भेड़ों का चरवाहा बनता है। जैसे जैसे बड़ा बेटा बड़ा होता, वो अपनी ताकत भेड़ पालने से लेकर बुआई जुताई और फसल काटने में पिता की मदद करने में लगा देता और चरवाहे का काम अगले छोटे लड़के को सौंप दिया जाता था। जब यिशै ने अपने 8 बेटों के परिवार का पालन पोषण किया तो यही प्रथा थी। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं, लहुरा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। ये पहले शमूएल उसके 16वें अध्याय की 11वीं आयत में मिलता है। दाऊद 8 बेटों में से सबसे छोटा होने के कारण परिवार का चरवाहा बन गया। चरवाहे के बारे में एक और तथ्य है, चरवाहे की छड़ी। चरवाहे की छड़ी एक पुलिसकर्मी के क्लब यानी कि एक डंडे की तरह थी। ये प्रायः शाहबलूत वृक्ष की लकड़ी का बना हुआ करता था और इसके सिरे पर एक घुंडी होती थी। बेहतर हथियार बनाने के लिए कभी कभी इस घुंडी में कीलें ठोक दी जाती थी। इसमें कोई संदेह नहीं है बहनों कि वह छड़ी जिसका उपयोग दाऊद ने अपनी भेड़ों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए किया था। ऐसा पहला शमूएल 17 उसके 34 से 36 आयत में लिखा है। जी हाँ, यहूदी लेखक हमें बताते हैं कि एक तंग प्रवेश द्वार पर चरवाहे जानवरों को अपने पास आने देते थे। छड़ी के सिर को किसी रंगीन तरल पदार्थ में डुबोया जाता था और उसके नीचे से गुजरने वाले हर 10वें जानवर पर छड़ी से चिन्ह लगाया जाता था। इस प्रकार उसे बलि के लिए परमेश्वर को दिए जाने वाले जानवर के रूप में चिन्हित किया जाता था। भेड़ चराते समय चरवाहे अपनी लाठी लेकर चलते थे। दाऊद ने अपने चरवाहे भजन उसके 23 उसके 4 में छड़ी के साथ साथ लाठी का भी उल्लेख किया है। यह 5 या 6 फीट लंबी होती है और कभी कभी लेकिन हमेशा नहीं इसका सिरा मुड़ा होता है। इसका उपयोग भेड़ों को संभालने और सुरक्षा के लिए किया जाता था। नतानिया, ये बहुत ही रोचक और उपयोगी बातें हैं। जी हाँ, आप सही कह रही हैं। भेड़ और चरवाहे के बारे में और भी कई रोचक तथ्य हैं, लेकिन हमारे पास उन सभी के बारे में जानने का समय नहीं है। अच्छा, तो आप हमें ये बताएंगे कि चरवाहे अपने भेड़ के पाने और भोजन का कैसे रखरखाव और देखभाल करते थे?
जी बिल्कुल, वर्ष के दौरान एक चरवाहे के प्रमुख कर्तव्यों में से एक कर्तव्य अपनी भेड़ों के लिए भोजन की योजना बनाना है। जून से सितंबर तक चारागाह खूब हरा भरा होता था। भेड़े चरवाहे के घर के पास ही चरती थीं। जब भोजन का यह स्रोत समाप्त हो जाता तो अन्य स्थानों पर चरागाह की तलाश की जाती। पवित्र शास्त्र अक्सर उन चरवाहों के बारे में बताता है जो अपने झुंडों के लिए चारागाह की तलाश करते हैं। बाइबल पहला इतिहास 4 उसके 39 और 40 में बताता है, ये अपनी भेड़ बकरियों के लिए चराई ढूंढने को गदोर की घाटी की तराई की पूर्व की ओर तक गए और उनको उत्तम से उत्तम चराई मिली और देश लंबा चौड़ा और शांति का था क्योंकि वहां के पहले रहने वाले हाम के वंश के थे। जी हाँ, भजनकार उस चरागाह के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है जिसे चरवाहा के रूप में प्रभु अपने लोगों के लिए प्रदान करता है। भजन संहिता 79 उसकी 13वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़े हैं तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुणानुवाद करते रहेंगे। फिर झुंड के लिए चारागाह चुनते समय यह बहुत आवश्यक है कि वहां पानी भी हो। अक्सर झुंड बहते पानी की धारा के पास होते हैं लेकिन भेड़ें तेजी से बहने वाला पानी को पीने से डर सकती हैं। इसलिए चरवाहा पानी के तालाबों की तलाश करता है या कोई शांत जगह तलाश करता है जहां वह अपनी प्यास बुझा सके। बहनों, इसलिए भजनकार ने परमेश्वर को ईश्वरीय चरवाहे के रूप में वर्णित किया है। भजन संहिता 23 उसके 2 में इस प्रकार लिखा है, वो मुझे शांत जल के पास ले चलता है। जी हाँ, लेकिन उत्पत्ति 29 उसके 8 से 10 में हम देखते हैं, जब गर्मी में ऐसे सभी पानी के स्थान सूख जाते हैं जैसा कि फिलिस्तीन में अक्सर होता है और तब कुओं का उपयोग किया जाता है। तो कृपया आप हमारे दर्शकों को बताएं कि भेड़ें कहाँ रहती हैं। जी हाँ बहनों, एक साधारण काम चलाओ यानी कि तत्काल तैयार भेड़शाला में एक बाड़ा होता है जो कटीली झाड़ियों से बनी होती है। यह वो सारी सुरक्षा है जिसकी आवश्यकता थी क्योंकि मौसम अनुकूल होने पर चरवाहे अक्सर अपने झुंडों के साथ सोते थे। बहनों, यह यहेजकेल इसराइल के भविष्य की भविष्यवाणी करते समय ऐसी भेड़शाला का उल्लेख करता है, मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इसराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी। वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इसराइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। यह यहेजकेल 34 उसके 14 में इस प्रकार लिखा है। जी हाँ, अब जब हमने बाइबल के समय में चरवाहों और भेड़ों के जीवन को देख लिया है तो आइए देखें कि यह उस बहुतायत के जीवन पर कैसे लागू होता है जिसका वर्णन मसीह ने यूहन्ना 10 उसके 10 पद में किया है। आइए अब देखें कि मसीह के बहुतायत के जीवन के बारे में क्या विचार है। सबसे पहले वो कहते हैं कि चोर केवल चोरी करने के लिए आता है। यीशु दृढ़ता से चोर का उद्देश्य बताते हैं जो चोरी करना, आक्रमण करना, जब्त करना और दूसरे की संपत्ति को ले जाना है। यूहन्ना 10 उसके 1 से 21 सीधे तौर पर स्थानीय धार्मिक नेताओं के साथ यीशु की आमना सामना होने की घटना से जारी है। एक जन्म से अंधे व्यक्ति को दृष्टि देने के बाद यीशु द्वारा यहाँ चरवाहों और चरवाहों का संदर्भ पाखंडी और स्वार्थी अगुओं की ओर इशारा करता है। ऐसे शिक्षक सही दरवाजे से या ईश्वरीय आज्ञा से नहीं आते हैं, वे लोगों को मसीह का अनुसरण करने से विचलित करने के लिए आते हैं। दूसरे शब्दों में वे लोगों का दिल चोरी करने की कोशिश करते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण दूसरा शमूएल 15 उसके 6 के दूसरे भाग में दिया गया है। इसमें लिखा गया है, बहनों जितने इजरायली राजा के पास आते उन सबों से अबशालोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशालोम ने इजरायली मनुष्यों के मन को हर लिया। जी हाँ, इस दुष्ट योजना के माध्यम से कई लोगों ने दाऊद के शासन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और आश्चर्य किया कि क्या उस पर अभी भी प्रभु की कृपा है। बाद में नए नियम में हम पाते हैं कि फरीसियों ने भी यही काम किया था। उन्होंने लंबी प्रार्थनाओं के बहाने विधवाओं के घरों को हड़प लिया। ऐसे शिक्षक
जो सही दरवाजे से या ईश्वरीय आज्ञा के साथ नहीं आते हैं, वे धोखा देना चाहते हैं और मसीह की भीड़ों को उससे दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। बहनों, दूसरी बात जिसका यीशु ने यूहन्ना 10 उसके 10 में उल्लेख किया है वो ये है कि वे घात करने और नष्ट करने आते हैं। अब वे ये कैसे करते हैं? वे अपने झूठे सिद्धांतों द्वारा लोगों की आत्माओं को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। ये झूठे सिद्धांत कैंसर की तरह ही खाते हैं और लोगों के दिमागों में जहर भर देते हैं। वे बहुत ही साधारण मसीहों के विश्वास को विचलित करते हैं, हालांकि वे मसीह की किसी भी सच्ची भीड़ को नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन इस धरती पर यीशु का लक्ष्य काफी अलग था। वो कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले। वो स्वर्ग से आया ताकि भेड़ों को आत्मिक और शाश्वत जीवन मिले। मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपराधों और पापों पे मृत है और अनंत मृत्यु के लिए जिम्मेदार भी है। नितान्या, आप हमें बताएंगे कि यीशु हमें बहुतायत का जीवन देते हैं, तो ये बहुतायत के जीवन का क्या अर्थ है? देखिए, हमें यूहन्ना 10 उसके 10 में बताया गया है, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। बहुतायत का जीवन स्वर्गीय या आत्मिक रूप से भरपूर है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो मत्ती 6 उसके 25 से 32 हमें सांसारिक आवश्यकताओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इस बारे में हमें बताता है। लेकिन यदि हम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं तो ये सभी चीजें हमें मिल जाएंगी, ये भी वो कहता है। हम फिलिप्पियों उसका 4 उसके 19 में भी पढ़ते हैं, और मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सब घटियों को पूरा करेगा। यदि हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो हमारी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। बहनों, अगर इसमें सांसारिक खजाना शामिल है तो हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो भी हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। बहनों, बहुतायत का जीवन शाश्वत जीवन भी है। यीशु ने अनंत जीवन को परिभाषित करते हुए यूहन्ना 17 उसके 3 में कहा, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम सांसारिक संदर्भ में शाश्वत जीवन के बारे में सोचते हैं तो हम केवल इसके स्थायी या टिकाऊ अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। लेकिन स्वर्गीय दृष्टिकोण से अनंत जीवन पिता परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु को जानना है। इस प्रकार बहुतायत का जीवन ही शाश्वत जीवन है, यह परमेश्वर को जानना है। पहला यूहन्ना उसका 5:12 पद कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। इसलिए मसीहों के पास उद्धार के क्षण से यह शाश्वत जीवन है। अंत में बहुतायत का जीवन एक नियमित प्रक्रिया है। उद्धार की तरह हमें उद्धार मिलने के समय में बहुतायत का जीवन दिया जाता है, लेकिन हम इसमें बढ़ते जाएंगे। बहनों, फिलिप्पियों 3 उसके 12 पद कहता है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। पौलुस ने माना कि यद्यपि उसके पास बहुतायत का जीवन था, उसे इसे अपना बनाने के लिए आगे बढ़ना था। कोई परमेश्वर की बहुतायत का जीवन का अनुभव कैसे कर सकता है? आइए हम कुछ व्यवहारिक कदम साझा करते हैं। जी हाँ, अवश्य ही। इस सब में मुख्य बात यह है कि हम अक्सर परमेश्वर का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, जबकि वह आज हम तक पहुंचना चाहता है और हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहता है। सबसे पहले हमें पूरे दिन में अपने हृदयों में परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता होती है। जब हमें इसके बारे में पता चलता है तो यह हमारे जीवन की प्रत्येक घटना और क्षेत्र को बदल देता है। दूसरा, परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में रुचि रखते हैं और इसलिए उन्हें इस बात को प्राथमिकता देना है कि हम किस प्रकार की चीजें करना चुनते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम उन चीजों के बारे में उसकी इच्छा पूछ सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। फिर हमें उसके उत्तरों को सुनना चाहिए।
चाहे वे उन लोगों के माध्यम से आए जिन्हें वह हमारे जीवन में लाता है, या हमारे शांत अंतर्ज्ञान से जिसे हम जानते हैं कि वो सही है। तीसरा, हमें उसे अपने निरंतर साथी के रूप में देखना चाहिए। जब हम हमेशा उसकी उपस्थिति के बारे में जागरूक रहते हैं तो हमें कभी आश्चर्य नहीं होता कि वो कहाँ है या वो हमारे बारे में कैसा महसूस करता है। वो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमसे बात करने को इच्छुक है। चौथा, हम हर चीज को उसकी उपस्थिति के प्रकाश में देखते हैं। हमारे जीवन में दोस्तों जो कुछ भी चल रहा है वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहिए। वो वास्तविकता जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है, क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा है, अच्छा हो या बुरा। और पांचवा, तूफानों के बीच भी हमारे पास शांति है। परमेश्वर वहां है, इसलिए हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो रहा है, हमें अपने साथ उसकी उपस्थिति का आश्वासन मिलता है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति का सामना करें, परमेश्वर की आत्मा हमारा मार्गदर्शन करेगी। छठा, हमारे हृदय में परमेश्वर के वचन के लिए भूख है। यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का अधिक अनुभव करना चाहते हैं तो हमें बाइबल की सहायता लेनी होगी। इसमें पृथ्वी पर हमारे लिए परमेश्वर के अंतिम शब्द शामिल है। जैसा उन्होंने लेखकों को प्रेरित किया, उन्होंने संपूर्ण भौतिक संदेश लिखा जो परमेश्वर हमारे लिए छोड़ना चाहता था। सच में ये अद्भुत है। परमेश्वर की उपस्थिति का अनुसरण करने के एक महत्वपूर्ण पहलू में बाइबल का अध्ययन करने में समय व्यतीत करना शामिल है। जी हाँ, वास्तव में। सातवां पहलू यह है कि हमारे हृदय में खुशी है। पवित्र आत्मा अंतहीन शक्ति और प्रभाव प्रदान करता है जो हर दिन हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। जब हम पहले उसके राज्य की तलाश करते हैं तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है, जैसा कि मत्ती 6:33 में लिखा है। चाहे दिन कितना भी कठिन क्यों ना हो, प्रभु के साथ हमारे रिश्ते में जो आनंद है उसे कोई कम नहीं कर सकता। आठवां, हम उन अच्छी चीजों के प्रति अधिक सचेत हैं जो परमेश्वर हमारे लिए लाता है। याकूब की पुस्तक के लेखक हमें बताते हैं, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। याकूब 1:17 में इस प्रकार लिखा है। ऐसा करना हमें घमंड से बचाता है बहनों, और हमें अपने विश्वास के करीब पहुंचने में मदद करता है, जैसा कि यीशु ने हमें सिखाया था, बच्चों की तरह। नौवां, हम परमेश्वर पर निरंतर निर्भरता महसूस करते हैं। जैसे जैसे हम अपने वर्तमान सदा प्रेम करने वाले पिता के साथ अपने रिश्ते का पोषण करते हैं, हम सहायता के लिए उन पर निर्भर होना शुरू कर देते हैं। जी हाँ। और दसवां, प्रार्थना हमारे जीवन में प्राथमिकता है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुसरण करते हैं तो हम हर समय परमेश्वर से बात करते हैं, चुपचाप या जोर से। जब हम बात करते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें सुनता है। इस सब प्रयास का परिणाम यह है कि हमारा यीशु मसीह के साथ एक मजबूत और अति घनिष्ठ संबंध है। प्रिय बहनों, बाइबल कहानियों और शिक्षाओं से भरी है, लेकिन वे सभी परमेश्वर और उस पूरी दुनिया के बारे में एक बड़ी कहानी बताती हैं जिसमें हम रहते हैं। यह परमेश्वर और हमारी दोनों की कहानी है। दोस्तों, हम एक और रोमांचक कार्यक्रम के अंत पर आ गए हैं। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी उपस्थिति के माध्यम से इस बहुतायत के जीवन का अनुभव करने के लिए आपको मार्गदर्शन और सामर्थ्य प्रदान करता रहे। आइए हम प्रार्थना करें। अत्यंत महान और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर भाग के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ पिता, कि आपने ये मौका दिया फिर से कि हम अपनी बहनों से जुड़ने वाले हो सके और आपके वचन में से पढ़ने और सीखने वाले हो सके। पिता, आज जबकि हमने बहुतायत के जीवन के बारे में पढ़ा और उन आत्मिक आशीषों के बारे में पढ़ा जो कि आपसे मिलती हैं,
मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर कि ये बातें हमारी बहनों के ग्रहण होने वाली हो सके। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, ये बहुतायत का जीवन हम इससे प्रत्येक के साथ बांटने के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। और मैं चाहती हूँ पिता परमेश्वर कि जो बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं वो ये आत्मिक आशीषों का लुत्फ उठाने वाली हो सके पिता। आगे के भागों को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। इसी प्रकार हमको आप लेके चलिए पिता, और आपके वचन में से पढ़ाइए और समझाइए पिता परमेश्वर। इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। तो बहनों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम के द्वारा आपको बहुत आशीष प्राप्त हुई है। अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप एक मिस्ड कॉल दे दीजिए। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।